राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आज सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और मैं आ गई हूँ नादों की। मैंने पूजा की और बस सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ में होली खेलने आ गई हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है गुलाल, तो यहाँ भगवान को गुलाल लगा रही हूँ। मैंने सबसे पहले इनके साथ होली खेल ली जाए, इसके बाद में सबके साथ में खेलेंगे। तो यहाँ ये भी नीलम भी आ चुकी है, इसकी भी पूजा वगैरह हो चुकी है। तो सबसे पहले हम ननद भाभी खेल लेते हैं होली, बस केवल गुलाल से ही, क्योंकि कलर से होली तो वैसे भी नहीं खेलना हमें। तो यहाँ हो रही है हम दोनों की होली, इसके बाद में फिर जाऊँगे काम करने। और ये पहली होली है जो हमारी ननद भाभी के साथ में ही हो रही है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, ना ही मैं जा पाती हूँ होली के टाइम में। तो इस बार यहाँ पे है, यहाँ शिवांशु भी मैंने बुलाया कि लगवा लो गुलाल। और अब इनके साथ में मेरी हो रही होली, तो बोल रहे हैं कि मुझे लगाओ मत पूरे में, बस हो गया, रहने दो। मैंने घर में होली खेलने से पहले जब ही देखिएगा कैसे भूत बन के आएंगे, पहचान में भी नहीं आएंगे ये। और फिर दीदी आ गए, उनसे भी मेरी होली खेली, बस केवल गुलाल की ही होली होती है। और यहाँ बस हो रही हमारी बातें। अच्छा था, और अब ये बैड कर रही हूँ मैं साफ, कितना भी कर लीजिए लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ फैला मिलता ही है, तो वही मैं सही कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं बेड, सोफ़ा, बिस्तर संभाल संभाल के परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि धूल डस्ट ज़रूर ही मिलती है और कुछ खा के बच्चे ज़रूर फैला देते हैं, कहीं बिस्किट, कहीं कुछ, कहीं कुछ। साफ़ करते रहिए फिर भी वैसा का वैसा गंदा हो जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने मंगवाया हुआ है अमेजोन से अगारो का बेड वॉल्यूम क्लीनर विथ यूवी मॉडल ग्रैंड, जिससे कि मैं इसको बहुत आसानी से साफ़ कर लूँगी और जो धूल या डस्ट जो हमें दिखाई भी नहीं देती, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन होते ज़रूर हैं, उसे भी हम इससे बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बेड साफ़ है, लेकिन जब उसे हम साफ़ करने बैठते हैं ना, जो हमें दिखाई नहीं देती वो भी सारा कचरा ये साफ़ करता है। तो ये है फ्रेंड्स अगारो का ग्रैंड बेड वॉल्यूम क्लीनर, जो कि 400 वॉट की मोटर के साथ में और 12 केपी के सेक्शन पावर के साथ में है ये। और ये है इसकी यूज़र मैनुअल और एक साल का वारंटी कार्ड। और इसकी रॉड में दिखाऊँ आपको, काफ़ी लंबी, आप कितनी भी मतलब दूर आपका बेड हो जिसमें स्पेस ज़्यादा, वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रॉड काफ़ी दूर तक पहुँच सकती है। तो यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ क्लीन, और जब ही क्लीन करते हैं ना तो इस तरीके से ये लाइट जलती है आगे को, और इसको स्लो मोशन रखना है जिससे कि ये डस्ट धूल बहुत अच्छे से साफ कर लेता है, वाइब्रेट होके जितनी भी अंदर तक की है धूल डस्ट सारा साफ कर लेता है। तो यहाँ देखिए मैं सोफ़ा को भी क्लीन कर रही हूँ, और इसकी सक्शन पावर बहुत ही ज़्यादा, ये एयर डस्ट सब बहुत फास्ट से सक कर लेता है। और आगे वाला प्रेस बटन ऑन करके आप इसको निकाल सकते हैं बड़ी इजली से। और इसके पार्ट्स मैं निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी डस्ट इसमें आई हुई है। और मैंने तो बस थोड़ी देर ही चलाया, केवल आपको डेमो दिखाने के लिए, फिर भी इसमें देख सकते हैं आप कितनी धूल डस्ट आ गई। मैंने बस थोड़ा देर ही चलाया, अगर मैं काफ़ी देर क्लीन करती, अच्छे से पूरे बेड को साफ़ करती सोफ़ा को, तो बहुत सारी इसमें डस्ट हो जाती, लेकिन मुझे उतना ही दिखाया मैंने अभी। तो देख लीजिए फिर भी इसमें काफ़ी डस्ट आ गई है। और मैं इसको कपड़े से पोंछ के इसको रख देती हूँ, इसके पार्ट्स लगा करके। तो मुझे बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल गया सच में। और जब भी मैं ये प्रोडक्ट खोल के दिखाती हूँ ना, तो मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसके प्रोडक्ट, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ना यूज़फुल होने के साथ साथ सुंदर भी बहुत लगते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा फैशनेट करते हैं। और यहाँ देखिए ये 3 व्हील हैं और ये डॉट डॉट वाइब्रेट हैं, जो कि पूरी डस्ट वगैरह खींच लेता है वाइब्रेट होके, जो हमें धूल दिखाई भी नहीं देती ना वो भी पूरी अंदर तक से खींच लेता है।
तो है ना बहुत काम की चीज़। तो फ्रेंड्स मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते। और मैं आप लोगों को बता दूँ, कल गुजिया बन नहीं पाई थी, मैंने बताया था ना, तो आज हम लोगों ने गुजिया बनाने का प्लान रख लिया। तो गुजिया एक ऐसा काम होता है, इसमें दो लोगों की ज़रूरत होती ही होती है। वैसे मैंने कहा था मैं कर लूँगी, लेकिन वो आ गई थोड़ी देर की, बोली कम से कम आधी तो बनवा ही देती हूँ दीदी। मैंने कहा बैठने में दिक्कत होती है, रहने दो, मैं धीरे धीरे बेल लूँगी, फिर अभिषेक क्या है काट देगा। लेकिन वो आ गई, बोलते ना कि मन ही नहीं मानता। तो यहाँ हम लोगों की बन रही है गुजिया। और होली तो त्यौहार ही होता है गुजिया का। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसकी किसकी पहले ही बन गई गुजिया, हमारी तो आज बन रही है। हो गया, कभी बन जाए, जब टाइम मिले तब बना लेते हैं। अब हम भूत बन गए। अभी तो आप ऊपर ही थे, भूत कैसे बनाया आपको? अच्छा। गुजिया मेरी बन रही, बस लास्ट ही बची हुई है। और इनको देख के कैसे शिवांशी बोल रही थी, और जितना गुजिया आप बनाते जाइए उतना सांचे से कट के उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो मैंने कहा मैं सांचे से नहीं काटूंगी, अब लास्ट में घोट के बनाऊंगी, तो उससे बचेगा ही नहीं, ये बचता ही जाता है। तो यहाँ देखिए मैं घोट रही हूँ, और ये भी गुजिया बहुत अच्छी बनती है। और अगर चाशनी में बनाइए इन गुजिया को तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती। ये देखिए मैंने घोट के बना ली, सांचे से काट के नहीं बनाई। इस तरीके से अब आटा नहीं बचेगा, वरना आटा बचता ही रहता है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में गुजिया सेकने के लिए। तो बस अब मैं सेक रही हूँ अपनी, और गुजिया ना बिल्कुल मध्य आंच में ही सेकी जाती हैं, जिससे वो खस्ता और भी ज़्यादा बनती हैं। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ गुजिया, और मैं सेक रही थी तभी बीच में नीलम आ गई। मैंने कहा नहीं खड़े मत रहना तेरे, मैं खुद सेक लूँगी। और ये बोलती है नहीं मैं दी जितना चलूँगी फिरूँगी मेरे लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसकी डेट भी जो डॉक्टर ने दी थी वो भी निकल गई। हमने डॉक्टर को दिखाया भी, उन्होंने यही बताया कि अभी तो 4 दिन देख लो, अगर पेन नहीं होता ना फिर आगे देखते हैं। तो बस यहाँ हमारी थोड़ी बहुत गपशप भी चलती रहती, काम भी होता रहता है। तो ये देखिए हमारी सीखी जा रही गुजिया। क्यों गोलू भैया, गोलू भैया लोग कहाँ चले गए? वो इतनी दूर गए हैं लेकिन पता नहीं है, वो अलग अलग दिशाओं में गए हैं। चले गए वो, बिल्कुल चले गए होली खेलने, मुझे भी नहीं लेकर गए। तो तुम होली खेलती हो उनके साथ में? हाँ। अलग अलग दिशाओं में गए। आप बैठो, अपन नहीं कहीं जाएंगे, अपन यहीं खेलेंगे होली। अपन जाएंगे ना तो बिगाड़ देंगे सब, देखो गुलाल उलाल लगा देंगे रंग, अपन तो यहीं खेलेंगे, जाने दो उनको। कैसा भैया था तुमको ले नहीं जाता? बहुत गंदा है। क्या बोल रहा था ले जाने के लिए? वो बोल रहा था नहीं ले जाऊंगा। क्यों? अब दे चला गया, और ये भी बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिना बोल के चला गया वो। तो मैं उससे बोल देती कि मुझे ले चलो, क्यों नहीं बोला? मैं छोटा हूँ, कोई भी मुझे नहीं ले जाता। तो बड़ी हो जाओ तो ले जाया करेंगे। तो आओ बुआ जी आप मेरे साथ होली खेलो ना, कोई नहीं खेल रहा। लो लो हम खेल रहे, लो देखो हमारी ये लगा, देखो लगा दी, लो लो हैप्पी होली बोलो। गाल खराब हो जाएंगे, फट जाएंगे सब, ये पूरे पूरे फट जाएंगे कलर से। एक निशाना लगाता हूँ। किसके? लेकिन ज्यादा निशाना लगाऊंगा कि आसमान भी उल्टा हो जाएगा। जी 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 जी, मैं अपने निशाना लगाने के लिए को किस यहाँ शिवांशी लगा रही थी फूफा जी को निशाना। देखिए अब वो भी होली खेलने के लिए आ गई। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ताकि मेरे ब्लॉग मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।